विधानसभाओं में से तीन पर बीजेपी ने भारी बहुमत से विजय प्राप्त की है। जीत के बाद लाडली बहनों ने शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। ग्राउंड जीरो पर TV24 से लाडली बहनों ने कहा कि हमने भाई शिवराज को जिताने के लिए कमल में मतदान किया। पीएम मोदी शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाए। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा, तीन दिन पहले मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आ गया था कि मध्य प्रदेश में 163 सीटें आएंगी, लेकिन ये चौंकाने वाले नतीजे आए जैसे ही कांग्रेसियों का दिल दहल उठा था कि आखिर मीडिया ने ऐसे एग्जिट पोल कैसे दे दिया। लेकिन हम उन लाडली बहनाओं के सामने खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस विषय में, एग्जिट पोल के आधार पर क्या बोलेंगी लाडली बहना। क्या नाम है आपका? कला भाई। कहाँ रहती हैं आप? हाँ, एक नंबर वार्ड में। किसको वोट दिया था आपने इस बार? मामा है दाई। भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था या मामा को वोट दिया था? मामा को दिया था। हर भारतीय जनता पार्टी और मामा ने मिलकर जो योजनाएं चलाई थी, किस स्तर पर सब लोगों को लाभ मिला है उसका? सभी लाभ मिला है, सबको पैसे मिल रहे हैं, सबको पैसे मिल रहा है। लेकिन अभी खबर चल रही है सोशल मीडिया पे कि भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा चेंज करने वाला है, तो आपका क्या कहना है इस विषय में? मंत्री जी शिवराज सिंह मामा बनने चाहिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बनने चाहिए। आप उन्हीं को चाहते हैं? क्या नाम है आपके मामा का? शिवराज सिंह। आइए हम और बहनों से जानते हैं उनका उस विषय में क्या कहना। किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? चौहान, शिवराज सिंह। शिवराज सिंह, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी नहीं बनेंगे। नहीं, वही बनेंगे, मामा ही बना है। तो आपका बिल्कुल मन है कि वही बनने चाहिए? वे सब ही कर रहे होंगे, सबको मिल रहा हूँ। बोलो ना, आप बताइए किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह मामा को बननी चाहिए। वोट किसको देख के दिया था आपने? मामा जी को दिया है वोट। तो आपके मन में मामा है? हाँ, वही बनने चाहिए, उनको ही बनाने चाहिए। और बने बनने चाहिए मुख्यमंत्री, है ना? वे हमारे भाई साहब हैं। हाँ, और वे हमारे दुखदाता है, एक बार मदददाता है। हाँ, गरीबों के। एक बार तीन दिन पहले चौंका दिया था मीडिया ने एग्जिट पोल कि 163 सीट से भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन अब ये जो जब मध्य प्रदेश में 100 पूर्ण बहुमत से सरकार बन चुकी है, तो ये रुझान चौंकाने वाला है कि हर बहन के मन में, हर भांजी के मन में शिवराज सिंह चौहान है। अब देखते हैं कि शीर्ष नेतृत्व कहां क्या फैसला लेता है। वैसे तो लाडली बहनों के मन में शिवराज सिंह चौहान है, और शिवराज सिंह चौहान को देख के वोट दिया उन्होंने, सरकार बनवाई है। TV24 रायसेन।